हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में हमारी दाल, चावल, चने और बाकी अनाज में भी कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि मौसम में लगातार नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से सारी चीजें सील जाती हैं और उनमें कीड़े लग जाते हैं। कई बार आपका चीजों को स्टोर करने का तरीका भी गलत हो सकता है, जिसकी वजह से उनमें कीड़े लग जाते हैं। आपने देखा होगा, जब हम काबुली चने या काले चने स्टोर करके रखते हैं, तो उनमें छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े दिखाई देते हैं। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि ये चने में छेद करके उनके अंदर ही घुसकर बैठ जाते हैं, और जब हम इन्हें बनाने के लिए पानी में भिगोते हैं तो सारे कीड़े पानी के ऊपर आ जाते हैं। इन्हें देखकर मन तो बहुत खराब होता है। हालांकि कुछ लोग इन पर ध्यान नहीं देते और इन्हें धोकर ऐसे ही बना लेते हैं और खा भी लेते हैं, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो दालों और अनाजों को कीड़ों से बचाने में आपकी मदद करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी है वो टिप्स। सबसे पहले बात करते हैं लाल मिर्च की। जब भी लंबे टाइम तक आपको चने या और कोई भी अनाज स्टोर करके रखना हो, तो आपको उस बर्तन में जिसमें आप सामान स्टोर करके रख रहे हो, उसमें लाल मिर्च के कुछ टुकड़े डाल देने चाहिए। सूखी लाल मिर्च सामान में होने वाले कीड़ों के लिए कीटनाशक दवाई की तरह काम करती है। आप अपने आटे के बर्तन में भी सूखी लाल मिर्च डाल सकते हो, और आपके सामान में कीड़े ना हो, इसके लिए बरसात का टाइम शुरू होने से पहले ही अपने बर्तन में कुछ ना कुछ कीड़ों से बचने के लिए डालकर जरूर रखें। आगे मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। सेकंड, हम बात करते हैं तेज पत्ते की। अपने सभी अनाजों को कीड़ों से बचाने के लिए कंटेनर में थोड़े तेज पत्ते डाल दें। तेज पत्ते की महक से उनमें कीड़े नहीं लगेंगे और इन तेज पत्तों का फ्लेवर भी दालों और चनों में मिक्स हो जाएगा। तेज पत्ते की महक से कीड़े भी नहीं होते और ये नमी को सोखने का भी काम करते हैं। दालचीनी। अगर आपको किसी चीज को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है, तो आप इसके कंटेनर में दालचीनी की कुछ स्टिक्स डाल दें। ये आपको कीड़ों से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। हल्दी और करी पत्ता। मौसम में नमी के कारण हमारे आटे में भी कीड़े लग जाते हैं। आप अपने आटे में हल्दी का टुकड़ा या फिर करी पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन याद रखें कि करी पत्ता हल्का रोस्ट करके ही डालें। माचिस। काफी टाइम पहले से लोग गांव में अपने गेहूं का स्टोर करके रखने के लिए माचिस की तीलियों का यूज करते थे। माचिस आपके अनाज से कीड़ों को दूर भगाने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि माचिस के बॉक्स में सल्फर होता है जो कीड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। आप अपने आटे और बाकी अनाज में नीम की पत्तियां भी डालकर रख सकते हो। आप सरसों के तेल का भी यूज कर सकते हो। दालों को अच्छी तरह सुखाकर किसी कंटेनर में डालकर उसमें एक या दो चम्मच सरसों का तेल डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ऐसा करने से दाल खराब नहीं होगी और उसमें कीड़ा भी नहीं लगेगा। सूजी को कीड़ों से बचाने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि आप सूजी को सूखी ही हल्की भून कर रखें और आप उसमें 8 या 10 लौंग भी डालकर रख दें। ये भी सूजी को कीड़ों से बचाएगी। शहद को खराब होने से बचाने के लिए आप उसमें 9-10 काली मिर्च डाल दें। इससे शहद खराब नहीं होगा। वहीं चावल को घुन लगने से बचाने के लिए इसमें पुदीना की सूखी पत्तियां डाल दें। अगर सूखी ना हो तो हल्का रोस्ट करके डालें। इनकी तेज महक से कीड़े नहीं पनप पाएंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो आप अपनी दालों को फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप उड़द की दाल, चने, छोले, मूंग की दाल को आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको बनाना हो, दाल को 2 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दें। फ्रिज में दाल लंबे टाइम तक खराब नहीं होती और साथ ही कीड़ों से भी बची रहती है। अगर आप ज्यादा ड्राई फ्रूट्स लेकर आते हैं, तो भी आपको उन्हें फ्रिज में ही स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में ये जल्दी से खराब नहीं होते। आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आप जिस भी कंटेनर में दाल स्टोर करें, उसमें नमी बिल्कुल ना हो। उसको अच्छे से धूप में सुखा लें। धूप में ना हो सके तो उसको हल्का सा गैस पे गर्म कर लें। इससे भी आपका काम बन जाएगा। कंटेनर कांच का हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप अपनी दालों को हल्का रोस्ट करके रख लें। इससे भी आपकी दालें खराब नहीं होंगी। फ्रेंड्स, इन सारी टिप्स को यूज करके आप अपनी दालों और अनाजों को कीड़ों से बचा सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।